नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेष राशि वालों, दोस्तों दीपावली के दिन जरूर खरीदें या 10 रुपये की चीज। आपके जीवन काल में पैसों की कमी नहीं होगी, पैसा बिल्कुल चुंबक की तरह आएगा। कि दोस्तों यह 10 रुपये की चीज दीपावली के दिन आप सभी के लिए हीरा से भी कीमती रहने वाले हैं। इनके आपके घर में आ जाने से आपके घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा और धन से जुड़े जो भी आपके कार्य अटके हैं दोस्तों, वे सभी संपन्न होने वाले हैं। कि दोस्तों इनके आ जाने से आपके घर में धन जो है चुंबक की तरह खींचते हुए आने वाले हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि दीपावली के दिन आपको कौन सी वह चीज़ को लाना चाहिए जिससे धन आपके घर में चुंबक की तरह आए। घरों की भी जो स्थिति होगी या दीपावली के महापर्व में आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन करने वाले हैं, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार करेंगे, कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। बेहतर होगा कि दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत आपने कार्य संबंधी रूपरेखा बनाकर करें। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के अनुरूप यह समय उचित परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों युवा वर्ग को अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय किसी मित्र के साथ कहासुनी हो सकती है। यह समय धैर्य और संयम के साथ काम लें। वाहन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खराब करने की वजह से आपके सामने खर्चे भी आ सकते हैं। दोस्तों कोई भी यात्रा करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काफ़ी सारी बातें आपके मन के मुताबिक होने की वजह से आपको आनंद भी मिलेगा, परिवार से आनंद प्राप्त होगा। पेशे संबंधित कोई खास खबर भी यश में आपको मिल सकती है जिनकी वजह से परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों खर्चे कम होने की वजह से आप पर बना दबाव भी यश में कम होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय कुछ समय से चले आ रहे तनाव से आपको राहत मिलेगी तथा पुनः घर की सुख सुविधाओं में संबंधित जरूरतें पूरी करने का आपका जो पूरा प्रयास उसमें रहेगा। दोस्तों आय के नए स्रोत भी यह समय बनने की संभावना बन रही है। दोस्तों यह समय अधिकतम व्यवस्था के कारण आप घर पर आराम नहीं करेंगे। दोस्तों यह समय संतान की वजह से कोई चिंता भी आपके ऊपर रह सकती है, परंतु दोस्तों यह समय गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, यह आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। नकारात्मक विचारों को हावी यश में अपने ऊपर ना होने दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम में गति प्राप्त करने की आपकी इच्छा होने के बावजूद भी आप यश में मनचाहा गति अपने काम में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों यश में काम के आखिरी वक्त तक नहीं कहोगे, काम आखिरी वक्त तक नहीं होंगे, लेकिन अंत में सारी चीज़ें आपके मन के मुताबिक होने वाली है। इसलिए दोस्तों संयम रखना आपके लिए जरूरी होगा। मित्र परिवार की वजह से आपकी इसमें चिंता बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। यह समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आप यश में रुझान बढ़ेगा, आत्मिक उत्थान करेगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों मामा पक्ष के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखें। यह समय अनावश्यक यात्रा के स्थगित रखने की आपको जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, अधिकतर वक्त अकेले गुजारने की वजह से आपके अंदर अकेलापन का डर बढ़ रहा है। दोस्तों यह समय आपको अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर लोगों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी होगी। नए कामों को करने से आप कोशिश करेंगे। दोस्तों यह समय जिनकी वजह से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नए अनुभव भी आपको यश में प्राप्त होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे,
दोस्तों आप यश में शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ संकल्प या फिर सुदृढ़ महसूस करेंगे। दोस्तों यश में आपके लक्ष्य व फिर कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। दोस्तों कोई भूमि संपत्ति की खरीदारी संबंधी रूपरेखा भी यश में बनेगा। रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने में आपका यश में विशेष योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में संतान संबंधी किसी नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी भी छाई रहेगी, परंतु दोस्तों अपने सहयोग द्वारा समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करें। जोखिम भरे कार्यों से यश में दूर रहें। भाइयों को भी भौतिक व फिर भावनात्मक रूप से काफी हद तक मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों अभी तक ली हुई मेहनत का फल यश में दिखेगा। फिलहाल दोस्तों हर कोई बात आपकी योजना के मुताबिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों व्यर्थ की चिंता को छोड़कर यश में काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी प्रगति भी आपको यश में बड़ा आनंद प्राप्त करवाएगा। वही दोस्तों यश में अगर आपकी करियर यानी व्यवसाय को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय में किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय उत्तम है। दिन के दूसरे पक्ष में स्थितियां अति अनुकूल हो जाएंगी, परंतु दोस्तों कार्यस्थल की आंतरिक स्थिति में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में कर्मचारियों के साथ भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में व्यापारिक मंदी की वजह से थोड़ी सी चिंता भी रहेगी। यश में काम करने की प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई अनचाहा कार्य करने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएंगी। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से भी संपन्न होते जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यह समय दिन का जो हिस्सा होगा महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का समय होगा। दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियों में भी यह समय सुधार आएगा। उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय विवाहित जीवन साथी प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे। दोस्तों भावनात्मक नजदीकियां यह समय बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, कभी कभी आपका उत्तेजित स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर देता है। दोस्तों यश में भावुकता पूर्ण व्यवहार रखने से घर का माहौल पुनः सुधर जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पति पत्नी के मध्य में उपज रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आप परिस्थितियों को संभालने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार के वातावरण को भी सुखद और मधुर बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों को भी जल्दी ही विवाह में परिणित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। दोस्तों यश में व्यायाम आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, गले या फिर छाती में कफ संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है। लापरवाही ना बरतें और तुरंत यह समय इलाज लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की स्थिति। आइए बात करते हैं कि दीपावली के दिन आपको कौन सी चीज़ है जिन्हें खरीदने से आपको जो है अनेकों प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। आने वाले साल भी आपके लिए बेहतर गुजरेंगे। ये दोस्तों यूँ तो खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे कम दाम में ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और माँ लक्ष्मी को बहुत ही भाती है। ये दोस्तों दीपावली के दिन आप जो है मोर पंख जरूर घर में लाएं, क्योंकि दोस्तों इनसे आपके घर में सुख समृद्धि आएंगी और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होंगे। ये दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दीपावली के दिन आप मरीच लाएँ। ये दोस्तों दुकान से आप शुद्ध मरीच लाकर दीपावली के दिन आप इन्हें घर में रख लें। इनसे भी दोस्तों माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवनकाल में प्राप्त होंगे और आपके घर में खुशियों की प्राप्ति सदैव रहेगी। धन से जुड़े सभी समस्याओं का भी अंत आपके घर में होने वाले हैं। तो दोस्तों दीपावली के दिन आप इन कार्यों को करें, इन उपायों को करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। शादी दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।